प्रिय साथियों नमस्कार। साथियों आध की वीडियो में हम देखेंगे साथियों मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल का पेज हमने ओपन किया है। साथियों शिक्षा सत्र 2023-24 के छात्रों की प्रोफाइल अपडेट हुई या नहीं कैसे चेक करें। यदि आपके द्वारा छात्रों प्रोफाइल अपडेट कर दी गई है साथियों तो उसकी सूची आप कैसे देखेंगे कैसे निकालेंगे। ओके साथियों तो आइए वीडियो में हमारे बने रहिएगा और आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं साथियों और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। ओके साथियों तो आइए देखते हैं छात्रों की प्रोफाइल अपडेट हुई या नहीं कैसे चेक करें। बिना लॉगिन पासवर्ड से आप बहुत ही आसान तरीके से अपने मोबाइल से छात्रों की प्रोफाइल अपडेट की जानकारी चेक कर सकते हैं। प्रिय साथियों सबसे पहले आप गूगल के सर्च बार पे टाइप करेंगे शिक्षा पोर्टल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शिक्षा पोर्टल टाइप किया साथियों, यहाँ पे नीचे देखिए MP शिक्षा पोर्टल shikshaportal.mp.government.in इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे साथियों। जैसा क्लिक करेंगे साथियों मध्य शिक्षा पोर्टल का पेज यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं ओपन है साथियों। यहाँ पे इसको स्क्रॉल करते जाए साथियों, यहाँ पे एक ऑप्शन है साथियों शालाएं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं शालाएं। इसके नीचे दिया गया है स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल वार बच्चों के नामांकन, छात्रवृत्ति किससे जाने। तीसरा ऑप्शन है डैश कोड वार बच्चों के नामांकन किससे जाने। चौथा ऑप्शन है स्कूल वार संकुल वार बच्चों के नामांकन किससे जाने। यहाँ पे जो साथियों पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है स्कूल वार बच्चों के नामांकन एवं छात्रवृत्ति किससे जाने, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे साथियों इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे मध्य शिक्षा पोर्टल का पेज ओपन है साथियों। सबसे ऊपर दिया शैक्षणिक वर्ष, सबसे पहले आप शैक्षणिक वर्ष चुने साथियों। तो यहाँ पे देखिए वर्ष 2023-24 इस ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं। ओके साथियों 2023-24 हमने चूज कर लिया है। इसके बाद कक्षा, अब यहाँ पे किस कक्षा के छात्रों का आप देखना चाहते हैं साथियों, यदि किसी एक कक्षा के देखना चाहते हैं साथियों तो उसी कक्षा के केवल जो है आप सूची देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चौथी क्लास के छात्रों की सूची देख रहे हैं साथियों। इसके बाद यहाँ पे शाला का डैश कोड आप फिल कर दें, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं हमने अपने विद्यालय के यू डैश कोड यहाँ पे फिल कर दिया साथियों। इसके बाद छात्रवृत्ति की स्थिति चुने। अब यहाँ पे पांच प्रकार के ऑप्शन है साथियों, पेंडिंग विथ SSDOP, रिजेक्ट बाई SSDOP, पेंडिंग विथ SSDM, प्रोसीड बाई SSDM, सेंसनेट बाई SSDM। यदि छात्रवृत्ति सेंसन हो गया है साथियों तो यहाँ पे सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है सेंसनेट बाई SSDO, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ओके साथियों इसके बाद यहाँ कैप्चा कोड फिल कर देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैप्चा कोड हमने फिल कर दिया साथियों। अब इसके बाद व्यू स्टूडेंट लिस्ट, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे साथियों देखिए यहाँ पे जो है सभी छात्रों का जो है यहाँ पे सूची प्रदर्शित हो रही साथियों। देखिए हमारे यहाँ 18 छात्र हैं इस वर्ष जो है 2023-24 में साथियों। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है छात्र का सीरियल नंबर दिया है, इसके बाद समग्र आईडी, स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम, क्लास, जेंडर। स्टेटस में देखिए सेंसन बाई SSDO, यानी छात्र का जो है सेंसन कर दिया गया है साथियों। लास्ट अपडेट 2/10/2023 को प्रोफाइल अपडेट किया गया है। अब इसके बाद व्यू एप्लीकेशन डिटेल फॉर स्कॉलरशिप, यदि आप छात्र का जो है प्रोफाइल देखना चाहते हैं स्कॉलरशिप इनको कितना प्राप्त हुआ कितना नहीं, तो व्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ओके साथियों तो देखिए यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद साथियों समग्र आईडी छात्र का जो है यहाँ पे देखिए शैक्षणिक वर्ष। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना साथियों, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कैप्चा कोड हमने फिल कर दिया पुनः। अब इसके बाद विद्यार्थी की छात्रवृत्ति संबंधित जानकारी देखें, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे साथियों तो यहाँ पे जो है छात्र की प्रोफाइल ओपन होगी। लेकिन यहाँ पे साथियों जो है बताना चाहेंगे कि कक्षा चौथी के यहाँ पे जो है केवल जो है यहाँ पे बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, तीसरा नंबर ऑप्शन है आंचल कोल। अब यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और आंचल का देखेंगे कितना छात्रवृत्ति यहाँ पे भुगतान किया गया साथियों। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे पहले कैप्चा कोड फिल करेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए विद्यार्थी की छात्रवृत्ति संबंधित जानकारी देखिए, इस ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे जो है एडमिट ईयर दिया है, छात्र की समग्र आईडी दिया है, विद्यार्थी का नाम दिया है, स्कूल का नाम दिया गया है, योजना का नाम दिया गया है राज्य शासन अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति राशि 250 रुपये, कार्यवाही स्कॉलरशिप हैज बीन सेलेक्ट सेंसनेट बाई प्रिंसिपल हाई स्कूल हड़बड़ो। इसके बाद प्रोफाइल हैज बीन रजिस्टर्ड योर यूजर नेम यहाँ पे दिया गया है, इसके द्वारा जो है यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट किया गया है। ओके साथियों अब यहाँ नीचे देखिए बैंक का प्रोसेस दिया गया है, राज्य शासन अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति अमाउंट दिया गया है, पेमेंट बाई डन और यहाँ पे IFSC कोड अकाउंट नंबर। तो इस तरह जो है अपने विद्यालय के सभी छात्रों का जो है प्रोफाइल अपडेट जानकारी देख सकते हैं साथियों, और छात्रवृत्ति उस विद्यालय के छात्रों के खाते में अपडेट की गई कि नहीं की गई साथियों, सारे डिटेल जो है आप अपने मोबाइल के माध्यम से जो है देख सकते हैं। आज का बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, थैंक यू सो